के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब ही इज़ बियॉन्ड लेजेंड. और उनके साथ गाना तो दूर की बात, जब भी उनके प्रेजेंस में भी रहता हूँ तो बहुत बहुत ही एक अलग का एक पॉजिटिव उनका एक जो ऑरा है वो वाकई कमाल का है. और जब उनके लिए गाना गाता हूँ तो और भी मज़ा आता है उसका. और इसलिए जब भी बुलाते सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुँच ही जाता हूँ. और ऑफकोर्स ये फिल्म भी स्पेशल है क्योंकि मंजू का ये दूसरा फिल्म है और उनकी पहली फिल्म का भी टाइटल ट्रैक हाँ वो मैंने गाया था. और इस बार भी जी 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 जी. और अब ये जो फिल्म बन रही है दो पल प्यार के, ये फिल्म इसलिए भी और भी ख़ास है क्योंकि मेरे एक और बहुत ही चहेते बहुत ही अजीज़ मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड पार्थोदा पार्थो घोष साहब डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म का एक हिस्सा बनकर इस गाने को गाकर. और दीपक स्नेह जी ने बहुत अच्छा लिखा है, डॉक्टर दीपक स्नेह जी. और बहुत ही प्यारा बहुत ही उम्दा बहुत ही जैसे अबिदा के जो मेलोडीज़ होते हैं टाइमलेस एवरग्रीन एंड एवरलास्टिंग. खास मौका बहुत ही है बिकॉज दो पल प्यार के वंडरफुल टाइटल एंड वंडरफुल डायरेक्टर मिस्टर पार्थो घोष. ऑलरेडी वी हैव डन सुपरहिट फिल्म लाइक दलाल, गीत जिसका गाना अभी भी बजता है. तो मंजू भारती जी प्रोड्यूसर हैं और ये गाना सभी अच्छा हो गया. आज शान गा के गया, पहले गाना मैं भी गाया, पलक मुच्छल ने गाई, अरमान मल्लिक ने गाया, बहुत अच्छा गाया अरमान ने. और उसको मेरा अच्छा लगा क्यों, लिटिल चैम्प्स में वो मेरा शागिर्द थे. okay. तो उसको मैं पहला दफ़े गाना गवाया इनका ही पिक्चर में, मंजू जी का पिक्चर में. okay. और मुकेश जी अपना है ही हैंडसम हीरो, हैंडसम हीरो ऑफ दिस फिल्म. एंड आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम लवली रोमांटिक सॉन्ग इज कमिंग. ऐसा नहीं है पंजाबी स्टाइल का भी गाना है. देखिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली. मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि पिक्चर कब रिलीज़ हो क्योंकि इसमें म्यूज़िक जो बबीदा ने जो दिया है, इसमें बप्पी लहरी साहब ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है. और इस फिल्म के अंदर जो सिंगर हैं मैं समझता हूँ बहुत अच्छे सिंगर हैं. इसमें पहला सॉन्ग इसमें अपने अरमान मलिक ने भी गाया है, पलक मुछाल, और जैसे आपने देखा शान. तो इस बहुत अच्छे सॉन्ग हैं इसमें. और कोरियोग्राफिंग इसमें गणेश आचार्य जी ने की है. उन्होंने मुझे मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक आप लोग शायद जानते हैं कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ और कराटे फाइटर भी. तो बहुत उन्होंने मुझे जो है नचाया है. तो इट्स वेरी एक्साइटेड कि मैं अपना खुद डांस देखना चाहता हूँ इस फिल्म के अंदर कि कैसा डांस किया है.